जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा, तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में। तो गाइज मैं बताऊं कि चाय वगैरह सुबह की हो चुकी है, और उसके बाद मैं बताऊं कि मम्मी है ना झाड़ू लगाने आई थी नीचे वाले रूम में, तो सीढ़ियों वगैरह का मम्मी लगा रही थी। फिर मैंने मम्मी से बोला कि लाओ मम्मी मैं लगा देती हूँ, क्योंकि थर्सडे है तो आज ये नीचे वाले रूम का पोछा तो नहीं लगाएंगे, बस झाड़ू लगा देंगे। ऊपर वाले का और पूजा वाले रूम का तो खैर झाड़ू पोछा भी लगता है, क्योंकि जो डेली के रूम होते हैं उनका तो लगाना पड़ता है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, अंदर वाले रूम का किचन का तो झाड़ू पोछा मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि पूजा भी होती है और किचन में खाना बनता है, तो वो तो तुम हल्का सा ही लगाना पड़ता है, जैसे कि ज़्यादा डीप वाला मत लगाओ, तो हल्का सूखा सूखा तो पोछा लगाना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद फिर नहाने चली जाऊँगी। तो बस ये कि थोड़ा बहुत तो काम मायके में करना चाहिए गाइस, मैं तो ये मानती हूँ, और हेल्प कराने साथ में हेल्प करा दो तो फिर अच्छा भी लगता है फैमिली को। तो बस इस तरह से काम तो मैं कराती रहती हूँ। तो गाइस मैं बताऊँगी, सुबह भैया तो अपनी शॉप पर जाते हैं 9-9:30 बजे तक निकल जाते हैं, कभी 10 बजे तक निकल जाते हैं। तो भाभी तो अपने खाना बनाने में लग जाती हैं, क्योंकि उनको तो सुबह का जल्दी का रहता है तो खाना बनाना ही पड़ता है। और बाकी तो ये है कि मम्मी झाड़ू पोछा कर देती है, मैं बर्तन वगैरह कर देती हूँ, तो उतना एक पे भार नहीं पड़ता है। अगर सारा काम अगर हम भाभी पर डाल देंगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। तो मैं तो गाइस शुरू से मेरी आदत है, मैं तो साथ में हेल्प कराती रहती हूँ, जो भी मेरे से काम बनता है वो मैं सब करा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा गाइस कि भाभी गई थी अपनी दवा लेने गई थी, तो फिर यहाँ पे है ना, फिर मैंने ना यहाँ पे मिल्क शेक वगैरह बना लिया था, और मैंगो रखे हुए थे ना दो, और आलू का हलवा बना लिया था। तो फिर मैंने विष्णु भगवान की पूजा कर ली थी, विष्णु भगवान का भोग लगा दिया था, और फिर सबको दे दिया था। तो यहाँ पे भाभी को भी दे दूँगी, मम्मी को भी दे दूँगी, और मैं भी ले लूँगी हलवा, तो और बाकी तो कोई नहीं खाएगा गाइस। और यहाँ पे मिल्क जो भी मैंगो शेक बनाया है ना, वो सभी लोग लेंगे, वो तो सबको पसंद आता है गाइस। तो यहाँ पे जो मैंगो के मैंने कुछ पीस डाल दिए थे, मैंने कहा वो अच्छा लगता है खाने में, चम्मच से अगर खाते हैं तो वो टेस्टी लगते हैं, तो मैंगो तो मीठे थे गाइस और अच्छा लग रहा है मायके में आके। और मैं तो यही कहती हूँ, देखते हो आप लॉन्च बिल्कुल तैयार बैठे, एकदम तैयार, बस वीडियो बंद हो, वीडियो बंद हो और लॉन्च इस पर टूट जाएगी। और भैया मैं नहीं हूँ, सुर भी तो गाइस देखो खाना खा रही है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, भाभी आ गई थी अपना पूजा, मतलब आ गई थी दवा लेके, फिर मैंने भाभी को भी दे दिया था लस्सी और हलवा दे दिया था। तो भाभी उस वाले रूम में खा रही हैं और इधर हम लोग आ गए थे। तो मैं बताऊँगा इसकी और यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि भैया के यहाँ जो काम तो चल ही रहा है, आपको पता है, तो मिस्त्रियों की तो आपको पता रहती है, कभी आते कभी नहीं आते। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रीशियन है, तो ये वही लाइट वगैरह के बोर्ड वगैरह सब ठीक कर रहे हैं। और इसके बारिश हो रही है गाइस, इसको ऊपर रखो माँ, इसको ऊपर रखो, ये वाटर प्रूफ नहीं है। आप पे गाइस मैं बता दूं कि बच्चे मुझसे ज़िद कर रहे थे कि हमको नहाना है, तो मैंने उनसे मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं नहाने दूंगी। तो आपने सुरभि की बात सुनी होगी। और ये देखिए गाइस, ये मेरी डॉल थी, जब मैं जब छोटी थी, यानी कि मैं छोटी थी तो मैं बचपन में इसी से खेलती थी, ये मम्मी ने बनाई थी, लेकिन इस समय डॉलू और लवानसी ने उसका हाल बेहाल कर दिया है। तो मम्मी से मैं बोल रही थी कि मम्मी इसको है ना पहले जैसी कर दो ना, जिस तरह से मैं रखती थी इतनी अच्छी तरह से। तो गाइस एक कपड़े की डॉल है, मम्मी ने ना मेरे लिए कपड़े की डॉल बनाई थी और बहुत सुंदर तरीके से मैं रखती थी, लेकिन अब तो उसकी स्थिति ख़राब हो गई। तो और गाइस इतनी तेज़ आंधी तूफान आ रहा था गाइस कि कुछ पूछो नहीं। और ये मम्मी के जो खिड़की के जो शीशे हैं ना, दोनों साइड के शीशे गिर पड़े हैं, पहले मतलब पहले आए होंगे तब गिर पड़े थे ये शीशे। और यहाँ पे भाभी चाय लेकर आ गई थी, तो चाय पियेंगे। और मिस्त्री भैया है ना उधर बैठे हुए, इलेक्ट्रिशियन भैया है ना बैठे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि लाइट आ जाए तो हम अपना काम कर दें। तो गाइस शाम का टाइम हो गया, लगभग 5:30-6 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे गाइस खिड़की के पास अच्छी हवा रही थी, और फिर और इसके बाद भैया ने ये कोल्ड ड्रिंक मंगा ली थी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट, उन्हें तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।